नाजरीन का T9 टीवी न्यूज़ में खैर मकदम है। अहलिया ने पद्मावती कॉलोनी, श्रीनिवास कॉलोनी और यनगंडा की जानिब से ईदगाह यनगंडा में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम की सदारत मोहम्मद बशीरुद्दीन सदर ईदगाह कमेटी ने की और सदर नशीन बल्दिया महबूब नगर सी नरसीमुलु अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर ज़िले मजलिस ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, रुकन ज़िले वक्फ तहफ़्फ़ुज़ व राबता कमेटी ख्वाजा मोइनुद्दीन मौजूफ़ तहसीलदार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद मुजीबुद्दीन ने अंजाम दिए। सदर नशीन बल्दिया सी नरसीमुलु ने कहा कि वो फौरी तौर पर ईदगाह में एक बोरवेल कुनिंदा करवाएंगे और कहा कि ईदगाह के तहफ़्फ़ुज़ और कोह मौलाली की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। बाबर वज़ीर मौसूफ़ से भी नुमाइंदगी करते हुए कोह मौलाली को एक सियाहती मरकज़ बनाने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद बशीरुद्दीन सदर ईदगाह कमेटी ने अपने खिताब में यनगंडा ईदगाह के तामीर और कोह मौलाली की तारीख के पस मंज़र पर रोशनी डाली और सदर नशीन बल्दिया से ख्वाहिश की कि वो रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ से नुमाइंदगी करते हुए ईदगाह के लिए कंपाउंड वॉल की तामीर करवाने और कोह मौलाली को सियाहती मरकज़ में तब्दील करवाने का काम करेंगे। इस मौके पर अब्दुल हादी एडवोकेट और ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा ने भी अपनी मुखातिबत में कहा कि इस खसूस में रियासती वज़ीर से नुमाइंदगी का तयखुन दिया। मोहम्मद मुजीबुद्दीन ने वज़ीर मौसूफ़ की बेहतर सेहत और हिफाजत के लिए भी दुआ की। इस तकरीब में दीगर कायदीन मोहम्मद यूनुस सलीम, मोहम्मद ताहिर, सज्जू पहलवान, मीर शोएब अली, सदर मिनहाजुल कुरान मोहम्मद जमील, ख्वाजा नसीरुद्दीन मतीन, फजलुर रहमान, मोहम्मद बाबा मोइनुद्दीन यूसुफ, मोहम्मद सैयद इस्माइल, जहांगीर वगैरह मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं भी किया, वादा भी किया, इंशाल्लाह मौला अली का पहाड़ का अगर वक्फ बोर्ड में कोई का अगर है तो इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ पैरवी करके उसको तरक्की देने के लिए कोशिश करेंगे और ख़ासकर उससे हटकर हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद हमारे मिनिस्टर साहब खुद इसके टूरिज़म के मिनिस्टर हैं उनको तवज्जो दिलाकर चेयरमैन साहब की निगरानी में, क्योंकि चेयरमैन साहब का वार्ड है, अगर यहाँ पर अगर मौला के छिल्ला का अगर तरक्की हो जाती है टूरिज़म के अमाउंट से तो बहुत बड़ी बात हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है, चेयरमैन साहब से हमारी गुजारिश ये है कि साहब महबूब नगर के नवाही इलाके वाक़ मौला अली पहाड़ के निचले हिस्से में गवर्नमेंट की जानिब से इन घंटे के मुसलमानों के लिए ईदगाह के लिए ज़मीन अलाट की गई, उस पर वो नमाज अदा करते आ रहे हैं। इससे कबल इनगुंडी की ईदगाह SVS के डेंटल हॉस्पिटल के पीछे पहाड़ी इलाके में थी, उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया था। 20 साल पहले से बशीर साहब तमाम इनगुंडी लोगों से मुसलसिल मेरे घर आया करते हैं, मैं मुसलसिल उनके साथ था। उसके बाद इन लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर उस इलाके को छोड़ने की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को रजामंदी दी, उसके बाद उसी मकाम पर रेलवे ट्रैक के आगे उड़ेवार शात नैन वाले मुस्लिम कहींसम ना जीवन में 20 संवसरा मुस्लिम इन उड़ेवा वालू ने दस वाले कुला मतलब प्रेम एवरो वालक नैन प्रेम चूपत तप यह वीलू ना इकड़ आह्वान वालू कोई समस्या ना दृष्टि तस्कोचे अभी मोड़ जडपी मिनीस्टर गारे इव जी वालू प्रहारी गोड़ को इकड़ वालू आर्मी वालू को जेसी बेटी इज्जेस्तार ना दृष्टि तस्कोस्ते नंबड़े टाउन प्लांग जो जी अभी आगे अभी मल्ल एट समस्या पुनरावतम काकूदारी कनेश ऊर बैठ उबीला नष्ट का नैन आ बाध्यता चपेट जरिए अदे विधा रेप राबोये रंजा इकड़ वाटर ले नमोदानी दूर वाल बोर नेपनी ना पड़द खचित अदे विधा प्रहारी गोड़ मिनिस्टर गारे मल्ल मिनिस्टर गार ना दृष्टि तस्कता मल्लोसारी सोदर सार गार अजु नैन 10 संवसर नीचे वील्कि
वर्षाकाल वस्ते क्रोत बटल वी नमाज को मतम नीलू पोनी की राने इबंधे सारी एंपी पड़ो एमएलए पड़ो यदो पड़ो मेरे ना एंबर रही लटर दी कमी।